हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑन माय चैनल। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये चैप्टर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है उस पर डेडिकेटेड है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ये बुक्स किसके द्वारा लिखे गए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तमाम इस तरीके के जो भी बुक्स एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है और उन्हीं का यहाँ उनके बुक्स और उनके लेखक का नाम दिया है। तो इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इन सबको पेन और पेपर लेके आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है बुक है हमारे सामने हिंदुत्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये, हिंदुत्व बुक है। जैसे कि आप जानते होंगे वी डी सावरकर को, वो हिंदू आइडियोलॉजी को मानते थे, हिंदू नेशनलिस्ट थे एक तरीके से। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी हिंदुत्व, आराम से आप रिलेट करके जोड़ के याद कर सकते हैं। दूसरा बुक है लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष को आप लोग जानते होंगे, लाइफ डिवाइन बुक इन्होंने लिखा था। और एक इसी सेम बेस पे बुक होगी जो हम लोग आगे देखेंगे, उस बुक को किसी और ने लिखा है। तो लाइफ डिवाइन आप याद रखेंगे, अरविंदो घोष। इनकी एक और किताब है जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उस बुक का नाम है एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता, गीता पे जो एसे लिखे गए हैं, एसे वो लिखा है अरविंदो घोष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेम इसी पे बेस पे एक और किताब है, गीता रहस्यम। तो ये किसका लिखा हुआ है, ये जेल में लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। तो आप ये ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। चलिए अगला जो है द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी लिखा गया अरविंदो घोष के द्वारा, मैंने यहाँ सेम लिखा है। तो तीन बुक्स हो गए अरविंदो घोष के द्वारा, आप देख सकते हैं, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, अरविंदो घोष और द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन यूनिटी। चलिए पांचवा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये किसका है, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की इसमें ऑटोबायोग्राफी है, जिनके जिनसे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लाला लाजपत राय को आप जानते होंगे, साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया था तो उस दौरान ये प्रोटेस्ट करते हुए इनके सर पे लाठीचार्ज हुई थी और इनकी मौत हो गई थी। तो इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन सारे लोगों ने कैप्टन सॉन्डर्स जो था उस समय का पुलिस कमिश्नर, उसकी हत्या करनी चाही और उसी षड्यंत्र में उन्हें फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर देखते चलेंगे। अगला जो बुक है हमारे सामने परसेप्ट ऑफ जीसस, दोस्तों ये बुक जिसका है राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता कहते हैं और द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां का भी जन्मदाता कहते हैं। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां मतलब भारतीय जनजागरण का जन्मदाता, तो ये इन्हें कहते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सुधार किए और सती प्रथा, कई सारी कुरीतियों को इन्होंने ख़त्म करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सती एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर याद रखेंगे। मैं अपने इस चैनल पर हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा धीरे धीरे, और सबको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स होंगे मैं उन्हीं को अपलोड करूँगा जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जीएस ओरिएंटेड होते हैं, जीएस का भी मिक्स रहता है उसमें। अगला जो वर्ड है, अगला जो किताब है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये लिखा था राफिक जकारिया ने, राफिक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला जो है न्यू इंडिया कॉमन विल, न्यू इंडिया कॉमन विल बुक लिखा गया है, दोनों याद रखिएगा, न्यू इंडिया लिखा गया बुक ये एनी बेसेंट के द्वारा, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम समाचार पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पत्र समाचार पत्र भी निकाले थे, उन सबों को हम देखेंगे, इसी के तरह वो भी रहेगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, आप देखिए यहाँ इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये दो टर्म तक राष्ट्रपति रहे। न्यू इंडिया कॉमन विल एनी बेसेंट। अगला जो है 10 नंबर वाई आई एम अथीस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, ये दोनों किताब जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है और जब इन्हें जेल की सज़ा हुई थी तब इन्होंने ये किताब लिखा था, एंड इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, ये बहुत ही बार पूछा गया है, आप जरूर याद रखिएगा, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। वाई आई एम अथीस्ट इसका मतलब है मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने ये बात लिखी थी जेल में कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड भगत सिंह, दोनों जरूर याद रखिएगा, ये यूथ्स को समर्पित है ये
ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे? तो ये आप याद रखेंगे, इंडियन नेशनल सोशल, HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे ये जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे कमेंट करके बताएं। जब हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर इंडियन मुस्लिम, ये लिखा गया है इंडियन मुस्लिम WW Hunter के द्वारा। अगला बुक जो है ए नेशन इन द मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने ICS परीक्षा पास की थी और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल घर से थे, तो इन्होंने ये बुक लिखा था ए नेशन इन द मेकिंग। अगला जो है 14 नंबर बुक है स्प्रिंगिंग टाइगर, इसके रचनाकार हैं ह्यूटो, इनका नाम आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों में लिख दिया ह्यूटो। ये किसके, सुभाष चंद्र बोस के लाइफ पे से लिखा गया है, स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूटो और सुभाष चंद्र बोस के लाइफ पे से लिखा गया है। चलिए अगला बुक जो है 15 नंबर इंडियन स्ट्रगल, ये लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही, ये सुभाष चंद्र बोस ने खुद इसे लिखा है इंडियन स्ट्रगल। 16 नंबर है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों और कई सारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है, तो आप जरूर याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, ताराचंद एवं के दत्त दो लोगों ने मिलकर इसे लिखा है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ताराचंद एवं के दत्त, जो भी ऑप्शन में होगा उसे आप टिक करके आएंगे, गोला करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया भी लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। ऊपर आपने देखा होगा लाला लाजपत राय के द्वारा एक और किताब लिखी गई थी, उसे आप जाके जरूर याद रखेंगे, दोनों किताब अनहैप्पी इंडिया भी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया, वैलेंटाइन सिरोल, ये लिखा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। और ये जिस महापुरुष पे लिखा गया है उन्होंने इस किताब के खिलाफ में हाउस ऑफ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका विरोध भी किया था और वहाँ मुकदमा भी दायर किया था, तो आप याद रखेंगे द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को, और ये किताब लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए अब इसी को मैंने हिंदी में यहाँ इंग्लिश में लिखा है, 19 नंबर किताब है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ये इसका जो आंसर होगा लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक पेपियर, ये दो लोग हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, लॉरी कॉलिंस एंड पेपियर याद रखेंगे, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। अगला जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और यही बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दिया था, तो आप ज़रूर जानते होंगे ड्रेन थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और ये ड्रेन थ्योरी क्या है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आप याद रखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्ता। अगला जो है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये लिखा गया है विपिन चंद्रा के द्वारा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, हाल ही में 2-3 साल पहले इनकी डेथ हुई, और विपिन चंद्रा ने मॉडर्न हिस्ट्री को कैटेगराइज करने में और बनाने में हमारे सामने जो आज मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। अगला जो पेपर है वो बहुत बड़े सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थिंकर का है, वैंगार्ड जो है न्यूज़पेपर भी आता था और ये बुक भी है, ये MN Roy के द्वारा निकाला गया था। मदर इंडिया को बहुत लोग जानते होंगे, मदर इंडिया बुक भी है और मूवी भी थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, मदर इंडिया के राइटर हैं कैथरीन मेयो थी। चलिए अगला जो है 24 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स, ये लिखा, ये दोनों जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड भी और ब्रोकन विंग्स, ये दोनों लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। तो सरोजनी नायडू ने दो किताबें लिखी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी महिला, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स दोनों सरोजनी नायडू। 25 मेरे जीवन और समय की यादें, ये भी बिपिन चंद्रा की किताब है, जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये किताब लिखी है मेरे जीवन और समय की यादें। अब अगला जो है 26 नंबर इंडियन इकोनॉमिक थॉट, वीरेंद्रनाथ गांगुली ने ये लिखा है, ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं इंडियन इकोनॉमिक थॉट, वीरेंद्रनाथ गांगुली, इसे VVI कर लें, और इसे आपने सुना नहीं होगा कहीं, और कई जगह ये मैं ढूंढ के इसको निकाला हूँ। तो इन सारे बुक्स को अगर एक करना है, आपको रिविज़न नहीं होता एक बार में, तो आप उसे बार बार रिविज़न करें, देखें, दोहराएं, एग्जैक्टली ये याद हो जाएगा आपको। अगला जो है 27 नंबर झंडा गीत जो क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा, जिसे आज भी हम गाते हैं, तो ये झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। अब आता है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, लॉर्ड कर्जन टू नेहरू, ये लिखा गया है दुर्गा दास के द्वारा, दुर्गा दास एक राइटर थे जिन्होंने क्या लिखा, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू।
इंडियन इकोनॉमिक थॉट, वीरेंद्र नाथ गांगुली, मेरे जीवन और समय की यादें, ये सब आप जरूर इम्पोर्टेंट में, मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए 29 नंबर जो है वो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी के बारे में मैंने अभी बात की थी। दादा भाई रजनरोजी एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो आरसी दत्त, इन दोनों ने ही मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था। और कौन सा थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का नाम है ड्रेन थ्योरी, उसे बहुत ही फेमस है, तो ये आप याद रखेंगे। इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव, ये इंग्लिश में ही है दोस्तों, मैंने दोनों भाषाओं में इसलिए लिखा है कि कई सारे किताबें हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं उनका नाम भी, तो अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए उसे उस भाषा में ही याद करें। इंग्लिश की ज़रूरत उतनी ही है सोसाइटी में जितनी हिंदी की है। तो इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव, ये वीरेंद्र नाथ गांगुली के द्वारा लिखा गया है, ये ज़रूर याद रखिए। हमने ऊपर भी एक किताब इनके द्वारा लिखी गई देखी थी। अब हमारे सामने जो बुक्स हैं, 1857 की क्रांति की हुई और उसके बाद कई सारे राइटर्स ने उस पर बेस्ड अपनी किताबें लिखी, हम उन्हीं सब किताबों को देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होगा उसको भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहले 1857 हुआ तो कार्ल मार्क्स उस समय धरती पे थे, और कार्ल मार्क्स को जानते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एंड कम्युनिस्ट प्रिंसिपल जो है उसके लिए। तो इन्होंने एक बुक लिखा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे, उसका नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये विदेशी होते हुए भी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। 1857-59 में इनकी बुक कंप्लीट होती है। दूसरा जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा जाता है, उसका नाम है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, मतलब इसका हिंदी में क्या होगा, भारतीय विद्रोह के कारण, ये लिखा गया है सर सैयद अहमद खान। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भारत विद्रोह के, भारतीय विद्रोह के कारण, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो लिखा है फर्स्ट आदमी ने, कार्ल मार्क्स ने। अब जो है नेक्स्ट, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका एक बुक हम लोग ऊपर देखे थे, उस बुक का नाम था हिंदुत्व। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ना फर्स्ट है ना और कुछ है, ना इंडियन है, इसमें इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 34 नंबर सवाल जो है, द सिपोही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये आरसी मजमूदार के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने बहुत अच्छा विवरण दिया था इसमें, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इन्होंने सिपोही म्यूटनी इसको कहा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सिपोही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आरसी मजमूदार बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। और हमारे सामने जो अगला है, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, ये एस बी चौधरी के द्वारा लिखा जाता है, एस बी चौधरी, इन्होंने क्या लिखा था, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, मतलब सिविल, मतलब सिविल जो लोग होते हैं, रिबेलियन मतलब विद्रोह, विद्रोही, इन इंडियन म्यूटनी मतलब भी विद्रोही होता है जो सरकार के खिलाफ हो, इसको लिखा था एस बी चौधरी ने, जो इंग्लिश में बुक्स के नाम है, काइंडली आप उसे इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि वो पूछा भी जाएगा तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। अगला जो बुक है वो है 1857, इस बुक का नाम ही 1857, और ये लिखा गया था एस एन सेन, 57 सेन ऐसे करके आप दिमाग में सेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे, कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स और हम देखते हैं। एक हमारे सामने जो लास्ट बुक है रिवेलियन 1857, ये पी सी जोशी के द्वारा लिखा गया है। 1857 सिर्फ एस एन सेन, आप इन दोनों में से एक याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमारे सामने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बुक्स थे उसको हमने देख लिए। अगले वीडियो की सीरीज़ में हम और भी बुक्स, न्यूज़पेपर और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस को बहुत ही अच्छे में डिस्क्राइब किया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको ढूंढ के देख सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी पॉलिटी की पूरी सीरीज हम चला रहे हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिविज़न हो जाएगा, सब चीज़ याद हो जाएगा। याद रखिए ये चैनल हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इससे जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।